हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लेट्स फूडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पीनट बटर। कितनी अच्छी बात है कि हम हमारा बटर खुद ही घर में बनाएं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और 10 से 15 मिनट में आपका होममेड पीनट बटर बनके तैयार। तो चलिए बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीनट बटर बनाने के लिए हमने लिए हैं हॉट पैन में 1 कप पीनट यानी कि मूंगफली, और उन्हें हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। हमें मूंगफली को कम आँच पर ही सेकना है ताकि मूंगफली अच्छे से सिक जाए। अगर हम ज़्यादा आँच पर सिकेंगे तो दाने ऊपर से सिकेंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो ध्यान रहे कि हम कम आँच पर लगभग 10 मिनट तक सेकें और बीच बीच में उलट पुलट करते रहें। आप देख सकते हैं कि मूंगफली का कलर भी चेंज हुआ है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और मूंगफली को थोड़ा ठंडा होने देंगे जितना कि हम छू सकें। फिर बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। सिकी हुई मूंगफली को हम जार में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। ध्यान रहे जार ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे ही आपको लगे कि जार गर्म हो रहा है तो आप तुरंत ग्राइंडर बंद कर दीजिए और थोड़ा रुक रुक कर पीसते जाएं। अगर पेस्ट जार के साइड्स में चिपके तो चम्मच की सहायता से बीच बीच में चलाते रहें। पीनट बटर बहुत ही हेल्दी होता है और हम इसे घर पे बना रहे तो फिर बात ही क्या है। इसे हमें तब तक पीसना है जब तक ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ना आए। पर ये एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसमें ना पानी ना ही कोई ऑयल की ज़रूरत है। अगर आप इसमें मीठा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो गुड़ और चुटकी भर नमक का इस्तेमाल करें। तो देखिए पीनट बटर बनकर तैयार है। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी फ्लोवी कंसिस्टेंसी है। पीनट बटर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप एज अ स्प्रेड उसको यूज़ कर सकते हैं रोटी के साथ या ब्रेड के साथ। आप इसे फ्रीज में 5 से 6 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।